पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम सुल्तान सिंह भंडारी, मैं छामला का रहने वाला हूँ। तो मेरे साथ जो सर एक महेंद्र सिंह ने जो है एक एफिडेविट के तौर पे मेरे ब्रदर इन लॉ का लेके मेरे साथ फ्रॉड बहुत किया। पैसा रिटर्न करने के बाद भी उसने मेरे को वो टोकन अपने नाम कर दिया और खुद का जो टोकन है वो उसने 20 लाख में बेच दिया भाई। और आज मैं और मेरे साले की फैमिली सड़क पे आ चुके हैं, कहीं की नहीं है। हमारे तो विनती है कि हमें चल चल दे दो। बहुत बोल बोलिए आप, घबराइए मत जी। अपना नाम बताए। अपना मेरा नाम बिमला देवी है, मैं गांव छामला तहसील डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जी किस तरह का धोखाधड़ी हुआ है आप लोगों के साथ? सर मेरे हस्बैंड को 5 लाख की जैसे जरूरत थी, तो महेंद्र सिंह ठाकुर से हमने 5 लाख रुपए लिए। उसके एवज में जो है हमारा टोकन उन्होंने अपने पास गारंटी के तौर पे रखा और कहा जब आपके पास पैसे होंगे तो आप अपना टोकन वापस ले लीजिए, ले लेना। लेकिन जब हमने सारा पैसा सूद समेत उनको मतलब 7 लाख रुपए वापस कर दिया, ना तो उन्होंने हमारा वो टोकन वापस दिया और अपने पैसे भी सारे ले लिए। तब हम उनसे मतलब मांगते रहे अपना टोकन, तो उन्होंने कहा कि मतलब कभी आजकल परसों करते करते उन्होंने बहुत सारा टाइम लगा दिया। फिर बाहर से हमारे को पता चला कि वो मतलब जो टोकन अपने नाम कर रहे हैं। तब हमने हर जगह जाकर मेरे हस्बैंड और मेरे भाई ने सारे रजिस्ट्रार ऑफ मतलब सोलन में STTO में पुलिस स्टेशन में हर जगह जो है अप्लीकेशन लगाई कि इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए, लेकिन किसी ने हमारा साथ नहीं दिया और इसकी वजह से हमारी EMI बैंक की भी देने को रह गई और बैंक ने हमारे घर पे ताले लगा। एक फैमिली है, एक फैमिली में ये दान सिंह भंडारी, इसकी वाइफ, इनके दान सिंह भंडारी जी के साथ ज्यादा हुआ है प्रॉब्लम। क्या हुआ कि दान सिंह भंडारी और दान सिंह भंडारी प्रोफेशनली दिया ड्राइवर्स, तो इन्होंने क्या किया कि दो ट्रक लिए हुए अपने नाम पे, ये दोनों इनके साल के नाम पे, कमलेश यूनियन में चल रही है दोनों। तो उसमें क्या हुआ कि इनके वहाँ पर क्या कि टोकन हो तभी ट्रक चल पाते हैं, भंडारी एंड हिज फैमिली मीन्स के साले दान सिंह भंडारी और इन लोगों को पैसा दिया। तो इन्होंने एक वहाँ पर एक आदमी है जो ब्याज पे काम करता है, महेंद्र सिंह डिसाइडेड और दान सिंह भंडारी इन प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल बुद्धि सिंह ने बोला हुआ इन प्रेजेंस ऑफ बुद्धि सिंह और गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, दैट इज कमलेश कुमार वर्सेज महेंद्र सिंह सोलन, AR सोलन के पास डिपेंडिंग है। तो उन्होंने पहले दिन क्या दिया, मेरे को एक एफिडेविट की वैल्यू देंगे लॉयर अच्छे से पता है, ये स्टे ऑर्डर कॉपी दे दूंगा हमारे क्या कीजिए आपको कॉपी मिल जाएगी स्टे की, यू नीड नॉट टू वरी। उनके भी जो नेक्सिस हैं और उसका हमने स्पेसिफिक वेस्टिंग अ सिंगल टाइम उन्होंने इमीडिएट इफेक्ट उन्होंने डायरेक्ट नीचे पिछले स्टे अपना रिक्वेस्ट करता हूं कि इशू भी कम नाम बता दो। मैं मनोज रोंगटा, पीरियड बेसिस स्कूल टीचर एसोसिएशन का राज्य अध्यक्ष हूँ। जिस तरह से अध्यापकों को कोई वेतन नहीं मिला है और हमारी आर्थिक दशा इतनी नहीं है कि हम माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे सके, हमारी पूरी उम्मीदें माननीय जयराम ठाकुर और माननीय शिक्षा मंत्री ठाकुर गोविंद जी के प्रयासों पर हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर हैं कि वो अपने कर्मचारियों को जिन्होंने 8 वर्षों से प्रदेश के दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में अपने बहुमूल्य समय देकर बच्चों का भविष्य सरा और अधिकतर बच्चे ऐसे हैं जो जॉब ले चुके हैं, उन अध्यापकों को के प्रति सरकार क्या रवैया अपनाती और किस तरह कानूनी विकल्प लेकर 2600 टीचर ने 2600 परिवारों को सुरक्षित करती है। आपने सरकार को बताया कि 3 दिन में अगर सरकार कोई स्पष्टीकरण या आदरणीय शिक्षा मंत्री या शिक्षा विभाग के अधिकारी कोई इसमें कोई ठोस रूप से कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं या अपने लिखित रूप से हमारे आश्वस्त नहीं करते हैं तो 3 दिन बाद हम उचित निर्णय लेंगे, जिसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हो, क्योंकि हमारे पास जो है पाने के लिए बहुत कुछ है और खोने को कुछ नहीं है, जो आपको बताया जाएगा 3 दिन बाद। मैंने बोला है कि लोग मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हो चुके हैं, कई बार मुझे भी लोग लिखते हैं या हमारे ग्रुप्स पर लिखते हैं कि हम आत्महत्या कर, लेकिन मैंने 14 अगस्त को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के आने के बाद ही मैंने लोगों को यही आश्वस्त है कि हिम्मत रखिए, आदरणीय जयराम सर मुख्यमंत्री एक गरीब परिवार से उठकर आए और हमेशा हमारे हितैषी रहे हैं, तो 3 दिनों में अगर कुछ ऐसी होती है तो उसके तो मानसिक रूप से ऑब्वियसली कि लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं, हरासमेंट हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली उसमें ऑब्वियसली सरकार या सरकार के जो अधिकारी है उनकी जिम्मेदारी होगी जिनकी वजह से हमारे केस को जबरदस्ती हमें जो इस केस में लपेटा गया।
2020 को माननीय सर्वोच्च एसएमसी पॉलिसी 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एक्ट के तहत टीचरों की कमी को पूरा क्षेत्रों में शुरू की गई है। सभी एसएमसी अध्यापक जो सभी आरटी कैट वगैरह को नियुक्त करते थे उसके अनुसार क्षेत्रों में एसएमसी अध्यापकों को लगाया गया, जहां कोई भी अध्यापक ट्रांसफर या प्रमोशन जाने से और सभी जो नियुक्तियां की गई वो डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री। उसके बाद हिमाचल सरकार ने 30 जुलाई 2000 प्रभावित ना हो उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए सबसे पहले इनिशिएट लिया, जिसमें भाग्य की बात है कि एसएमसी टीचर जो हमारी निशा ठाकुर जी है मंत्री है, उन्होंने उनका जो है फेसबुक से अपना उसको लाइव किया और प्रशंसा की। हमें सरकार के साथ चलना होता है, हम सरकार के कर्मचारी हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं, कल भी खड़े थे, कुछ नहीं हुए हैं, वो हम आप लोगों के माध्यम से, आम जनता के माध्यम से, हिमाचल प्रदेश में विभिन्न संगठनों के माध्यम से सरकार की हमने उस विपरीत है जहाँ एसएमसी ही अध्यापक कार्यरत है जिनके पास सारे के सारे चार्ज है। जी आज प्रेस हम जो है एक बहुत बड़े फ्रॉड को उजागर कर रहे हैं, जो कि पिछले हम तकरीबन 7-8 महीनों से वी आर कीप ट्राइंग कि ये जो इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है मेरे क्लाइंट्स के साथ वो जो है उसको लाइन लाइट कर सके। तो ये जो प्रेस का माध्यम हमने चुना है, ये हमने चुना है तकरीबन 8-9 महीने के बाद, जब हम हर जगह से हार चुके हैं, जब हमने हर अथॉरिटी को अप्रोच किया, जब वहां से हमारे कुछ नहीं मिला, उसके बाद हम बेसिकली भाई साहब क्या है कि इट्स ए बिग फ्रॉड कमिटेड बाय अ पर्सन, दादा खाट एक आदमी है जी, उनका नाम जो है आपने मेरे क्लाइंट्स उसकी पूरी डिटेल देंगे। उसमें इन्हें स्पेसिफिकली क्या किया है कि एक दादा घाट जो ट्रक ऑपरेटर जो यूनियन है जी, वहां पर एक टोकन पे ही गाड़ियां चलती है, तो मेरे क्लाइंट्स का जो रोजगार पूरा का पूरा था वो उसके ऊपर डिपेंडेंट था, और एक आदमी ने थोड़े पैसे की लालच में वो टोकन को हथियाया और उसका गलत उपयोग करके मेरे क्लाइंट्स को आज इस कगार पे खड़ा कर दिया है कि वो पिछले तकरीबन 180 दिन से अपने घर से बाहर हैं और सीढ़ी के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनकी फैमिली के साथ। सरकार से किस तरह की मांग है आप लोगों की? भाई साहब सरकार से तो हमारा स्पेसिफिक यही अनुरोध रहेगा कि आज तक पिछले 8 महीने से हमने इस फ्रॉड से रिलेटेड तकरीबन हर इंक्वायरी ऑफिसर, चाहे वो कंसर्न पुलिस स्टेशन हो, चाहे वो रजिस्ट्रार ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी हो, चाहे वो अपना दादा घाट ट्रक ऑपरेटर स्टेशन जो हम बोलते हैं कि वो हो, हमने सब लोगों को के पास जाकर विद फुल प्रूफ विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एज वेल एज अ सीडी अ वॉइस रिकॉर्डिंग ऑफ द कल्प्रिट वी हैव ऑलरेडी हैंडेड ओवर टू द कंसर्न एसएचओ, बट डिस्पाइट ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और ओरल एविडेंस ऑल्सो आज तक कुछ नहीं हुआ है। हम चाह रहे हैं कि इस पर संज्ञान लिया जाए और मेरे क्लाइंट्स के साथ जो है वो एक जस्टिस किया जाए। कुछ भी नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, दुकान की चाबी घर के अंदर है, 7 महीने से दुकानें बंद पड़ी है, उसमें माल जो है तो सड़ गया और बैंक वाले ने 1,81,000 का चौकीदार का दिया हुआ मेरे पास एक्स्ट्रा करके, वो पे करो उसके बाद खाने खोलेंगे यार और भी पैसा दो करके बोला सारा इकट्ठा। मैं बोल रहा हूँ कि हर पैसे देने को तैयार हूँ मैं, थोड़ा सा मुझे टाइम तो दे दे। और कोरोना टाइम के अंदर मैंने कैसे भी करके 5,80,000 दिया हुआ है और जब से लॉक लगा उसके बाद 8,80,000 बैंक को दे चुका हूँ और मैनेजर की मंशा पता नहीं क्या समझिया। उसके बाद रिक्वेस्ट मेरी वाइफ ने हाथ पैर भी जोड़े उससे क्योंकि भाई आप ऐसा करो, रिक्वेस्ट करो कि बच्चों को अंदर जाने दो। उन्होंने जबकि पेपर दे, पेपर में रिक्वेस्ट करी तब भी नहीं जाने दिया, उसने बोलता सारा पैसा दे दो, ये नहीं समझ आया। और लॉकडाउन के अंदर मैंने पैसा दिया, लॉकडाउन के अंदर ही उन्होंने नोटिस भेजी हुई मेरे को, 5,66 का भी भेजा, 5,92 का भी भेजा और उसके बीच में मैंने पैसा दे दिया सारा।